अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आतिफ बदर और आज मैं आपको एक बहुत ही मजेदार सी कहानी सुनाऊंगा। कहानी का नाम है लो जी तुम पकड़े गए जी। कहानी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। एक दिन मेंढक एक भीड़ को पकड़कर कहता है लो जी तुम पकड़े गए, मगर भीड़ देखता है कि मेंढक बेचारा तो खुद मुसीबत में है। फिर निहायत दिलचस्प हालात में सब जानवर एक दूसरे को पकड़कर खाने ही लगते हैं कि भीड़ बड़ी ही होशियारी से एक ऐसी तजवीज पेश करता है जिसके नतीजे में सब की जान बच जाती है। इस प्यारी सी कहानी को लिखा है मनोहर चमोली ने, तर्जुमा किया है सरवत मोहिउद्दीन ने, तस्वीरें बनाई हैं मेवख घोष ने और इदारत की है आमना मुफ्ती ने। तो बच्चों सुनने के लिए तैयार हैं सब? चलिए जी शुरू करते हैं लो जी तुम पकड़े गए। लो जी तुम पकड़े गए, मेंढक बोला। तुम अपनी खैर मनाओ, भीड़ ने कहा। क्यों? मेंढक ने पूछा। अपने पीछे तो देखो, भीड़ बोला। पता है बच्चों फिर क्या हुआ? ये लो तुम भी पकड़े गए, सांप बोला। तुम अपनी खैर मनाओ, मेंढक ने कहा। क्यों? सांप ने पूछा। ये लो तुम भी पकड़े गए, नेवला बोला। तुम अपनी खैर मनाओ, सांप ने कहा। क्यों? नेवले ने पूछा। अपने पीछे तो देखो, सांप बोला। आहा जी, तुम भी पकड़े गए, अकाब बोला। मेंढक मेंढक मुझे जल्दी छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो, मैं सबको बचा सकता हूं, भीड़ ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेंढक ने भीड़ को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? चलिए आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि फिर आखिर हुआ क्या। भीड़ ने उड़कर अकाब की गर्दन पर डंग मारा। अकाब ने नेवले को छोड़ दिया, नेवले ने सांप को छोड़ दिया, सांप ने मेंढक को छोड़ दिया। सब ने कहा मियां भीड़ शुक्रिया। और फिर मगरमच्छ ने सोचा अब मैं तुम्हें पकड़ूंगा। कैसी लगी आपको कहानी लो जी तुम पकड़े गए? इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि किसी को भी कमजोर ना समझो। कैसी लगी आपको ये कहानी? मेरे साथ इस मजेदार सी कहानी को पढ़ने का शुक्रिया।